भैया किसका शिकार करोगे आज अरे इधर ध्यान से ध्यान से अभी सामने देख क्या है सामने अरे भाई अभी दिखाता हूँ देखो गायज हम यूनिक यूनिक जो एनिमल्स है उनका शिकार करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर और भाई यहाँ पर बहुत ही खतरा हुआ सिंचना है मैं तो ध्यान से ही रहूंगा ये कौन सा जानवर है ओ भाई ये तो वोल्फ गायज इसको तो हम कैसे पकड़ें यार इतना खतरनाक वाला है ये तो अलग दुनिया से आया हुआ है ए, इसको पकड़ लो ना फिर अरे भाई ऐसे थोड़ी ना पकड़ा जाएगा तो ग्वायज अभी दूसरी साइड में जाकर देखते हैं और शायद वहाँ से हम इसके ऊपर अच्छे से गोली मार सकते हैं और इसको बेहोश कर सकते हैं उसके बाद हमारे जू के अंदर लेके जाएंगे ए, ध्यान से लेके जाना कहीं हमारे ऊपर अटैक ना कर दे वो हाँ भाई अटैक तो कर सकता है यार फिर क्यों पंगा ले रही है उन्हीं साथ अरे भाई पंगा तो लेना पड़ेगा हमने जू ओपन किया उसके

अटैक भी ना करे ए, मैं तो नीचे ही रहूंगा हाँ भाई तुम तो नीचे ही रहना चलो इसको तो मैं बेहोस कर देता हूँ चलो गैस एक को तो मैंने बहुस कर दिया अभी यार इसके पास जाने से भी डर लग रहा है मेरे को क्या पता हमारे ऊपर अटैक कर दे ए, ध्यान से काम लेना इससे हाँ भाई काम तो ध्यान से चलो गाइस मुझको तो लग रहा यार ये भेस हो ही गया हाँ हो गया हो गया अभी गाड़ी के नीचे ही घुस गया ये तो अरे भाई गाड़ी के नीचे नहीं घुसा यार चलो गाड़ी को भी आगे कर लेते हैं गाइस क्योंकि यार ये जानवर है ना इसके नीचे आ चुका है अभी हमको इस गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा ताकि इसके कुछ भी ना हो इसका तो कुछ भी नहीं होगा बस रोक दो यहाँ पर अरे भाई यहाँ पर कैसे रोक दे चलो गाइस यहाँ पर रोक कर इसको यहाँ से लोड कर लेंगे लेकिन अभी एक दो जानवर और दिख रहा मेरे को आस पास हो सकता है कौन सा जानवर है आसपास अरे भाई रुको जरा भी दिखाता मैं तुमको। देखो भाई सामने वो घूम रहा मुझको नहीं दिखाई दिया? देखो भाई यदि जानवर को पता चल गया कि हमने इसके साथ ही को बेहोश कर दिया है तो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है ऐसा कमाल मत कर देना। कहीं हमारे ऊपर ही अटैक करवा लो तुम और हम मर जाए हाँ भाई अटैक ही ऐसा करेंगे गायज इनके वो

ध्यान रखना कहीं तुमको भी ना कर दे ये उसके बाद तो तुम्हारा भी कम तमाम हो जाएगा हाँ भाई मेरा भी और तुम्हारा भी तुम भी तो नहीं भाग सकते यहां से तुमको तो गाड़ी भी चलानी नहीं आती है आती है चाहे देख लेना चलो भाई अभी मेरे को फोकस करने थे। देखो गाय जी आस पास ही घूम रहा यार इसको कैसे बेहोश करूँ मैं अभी यार मेरी तरफ आ जा जल्दी से अरे भाई इसने तो मेरे को देख लिया ए, उड़ा दो इसको अरे भाई उड़ा तो रहो ये मेरी साइड ही आ गया था देखो गायज बस ये भागने वाला था मेरी साइड लेकिन भाई मैंने ऐसा वार किया इसके ऊपर बेचारा बेहोश हो गया और अभी हालत तो देखो इसकी क्या हो गई ये तो बेहोश हो गया ना हाँ भाई लेकिन गोलियाँ कौन चला रहा भाई आस कोई तो है देखो यहाँ पर शिकारी घूम रहे हैं ओ भाई अच्छा तुमको ही बताता हूँ ले भाई इनका भी काम तमाम तो करना ही पड़ेगा ले ये तो गया अभी तू भी जाएगा भाई दोनों का दोनों जा चुके हैं गायज ये हमारे ऊपर गोलियाँ चला रहे थे यार हम मर जाते हैं हाँ, इसलिए तुमने इनको भी ही कर दिया हाँ भाई बेहस तो ऐसे ही करते हैं यार क्योंकि इनको बेंश नहीं करते तो ये हमको मार देते उसके बाद तो भाई ये बोलते देखो हमने तुमको टपका दिया और तुम्हारा काम तमाम कर दिया लेकिन भाई हम थोड़े इनसे कम थोड़ी ना हाँ हमने भी इनको टपका दिया है ये तो ठीक ही किया तुमने अभी जल्दी से गाड़ी लेके आओ हाँ भाई गाड़ी लेके आते हैं गाइज ताकि इनको हम घर पे लेके जाएं और आपको दिखाते हैं गायज घर पे कि हमने कैसा जू बनाया यार इन जानवरों के लिए अभी अलग अलग जानवर लेके आने वाले हैं गायज आप भी बोलोगे यार इतने मस्त मस्त जानवर तो हमने कभी देखे ही नहीं और आप भी सोचोगे यार काश हम पहले देख लेते हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है देखो गायज आपने ये जानवर तो देख ही लिया अभी उसको भी उठा के लेके आएंगे लेकिन ये पुलिस कहाँ से आ गई ओ भाई पुलिस आ रही है देखो गायज आस पुलिस घूम रही है हमारे ये सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पर शिकार किया लेकिन भाई साहब पुलिस वाले अंकल आ चुके हैं अरे भैया क्या हो गया हमें लग रहा है तुम शिकार करके लेके जा रहे हो उन जानवरों का नहीं भाई ये तो बेहोश पड़े थे यहाँ पर आसपास इसलिए मैंने सोचा कि चलो इनकी हेल्प कर देता हूँ इनको ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ मैं और सच, सच बोल रहा है तुम हाँ हाँ सच बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा मैं और देखो गाय जी पुलिस वाले मेरे ऊपर शक कर रहे हैं कि हमने इन जानवरों को बेहोस किया है लेकिन ऐसी बात है नहीं अब इनकी गाड़ी की छत के ऊपर ही चढ़ जाऊँगा मैं ज़्यादा बोलेंगे तो अरे बेटा साइड में हो जा अरे भाई साइड में क्यों हो जाऊँ मैं तो ऊपर चढ़ जाऊँगा अरे गिरा के चले जाएँगे अरे अरे भाई सभी तो सच में चले गए गाइस और मेरे को देखो भाई क्या भयंकर तरीके से गिराया है अरे भाग जाओ यहाँ से जाओ जाओ तुम्हारी गाड़ी उठा के लेके जाओ ओ भाई साहब ये तो यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए आए थे गाय ये देख रहे थे कि यहाँ पर इन जानवरों को इन्होंने मार तो नहीं दिया लेकिन इनको पता ही नहीं चला कि इन्हों को हमने बेहोस किया है उसके बाद हम जू के अंदर डालने वाले हैं अरे भाई ये पुलिस वालों की गाड़ी देखो यार कितनी स्पीड से जा रही है ये तो बिल्कुल खतरनाक बंदे लग रहे हैं मेरे को इंच हाँ ये तो है ही खतरनाक और बदमाश भी लगते हैं मेरे को पुलिस वाले कम लगते हैं ये देखो कैसे गाड़ी चला के लेके गए और यहाँ पर दो इंसान और घूम रहे थे उनको भी मार देते हाँ भाई ऐसे ही चल ते रहेंगे तो यार ऐसे ही टपका देंगे उसको चलो कौन यार इनकी बातें छोड़ें अभी तो हम बस हम घर जाने वाले हैं ताकि जल्दी से पहुँच जाएँ और इन जानवरों को हम जू के अंदर डाल दें और गाय आपको को दिखाएंगे कि यार कैसा जू बनाया हमने इतना मस्त वाला जू तो यार हमने देखा भी नहीं कभी लाइफ में हमारे घर के ऊपर है ना हाँ भाई घर के ऊपर ही जू बना लिया है गैज ताकि आप सभी को वहाँ पर हम एक एक नए नए जानवर लेकर दिखाएं और आप बोलो यार ये तो बहुत ही मस्त वाला जू बना दिया हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही लेकिन अभी जू के पास चलो तो सही इस गाड़ी को भगाओ इस खटारा गाड़ी को हाँ भाई खटारा गाड़ी को भगा तो रहा हूँ और गायस देखो अभी हम रोड के ऊपर आ चुके हैं यहाँ से हम सीधा जाना अपने घर ताकि हम जल्दी से पहुँच जाएँ अभी यार कच्चे रास्ते में इतना मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पर ध्यान से गाड़ी को चलाना पड़ता था ले लेकिन पर भाई पूरी मस्ती के साथ चलाएंगे क्योंकि साफ रोड है यहाँ पर इतना ट्रैफिक भी नहीं है और हमको लग रहा है कि यार हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे उसके बाद तो भाई इन सभी जानवरों के अलग 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 बनाएंगे ताकि वो अलग -अलग रहें क्योंकि यार ये लड़ भी सकते हैं एक दूसरे के साथ और क्या पता एक दूसरे को खा भी जाए ये खतरनाक जानवर है इनका कुछ भी नहीं पता इनको अलग रख के देखेंगे कि ये खाते क्या हैं क्योंकि भाई इन जानवरों को मैंने पहली बार देखा ऐसे ऐसे जानवरों को देखो गाय जिनकी आंखें बिल्कुल रेड है और बॉडी भी रेड और कॉम्बिनेशन के साथ बनी हुई है ये तो भाई मुझको वैसे ख़तरनाक तो लग रहे क्या पता है हमारे ऊपर अटैक कर दे भाई सिंचेन हाँ इसीलिए जब तक इनको होश आता है ना तब तक हम घर पर पहुँच ही जाएंगे और इनको जल्दी से उस जाल के अंदर डाल देंगे हाँ भाई साहब उस सिरे के अंदर तो डालना ही पड़ेगा इनको ताकि ये सेफ़ रहे और हमको भी सेफ से रहने दें हाँ तभी तो अभी जानवर तो वैसे है तो ज़्यादा लस उसके अंदर हाँ भाई कुछ ही दिन हो चुके हैं गाय इन जानवरों को आए हुए लॉस सेंटोस के अंदर और आज हमने इनको पकड़ ही लिया आखिरकार हम काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे कि यार इनको पकड़ लेते हैं और हमारे जू के अंदर डाल लेते हैं क्योंकि यार ये यूनिक जानवर है हमने पहले कभी देखे ही नहीं ऐसे जानवर आज देख रहे हैं इनको हाँ मैंने तो नहीं देखे बिल्कुल भी हाँ भाई चिनचन सच में यार मैंने तो कभी देखे ही नहीं थे जानवर चलो कोई नहीं फिर भी आज तो देख ही लिया हमने आखिरकार अरे भाई साइकिल वाले साइड में हो जाए अब यार ये सामने ही आ रहा है इसको सामने मत आने दो क्या आपता इसका भी एक्सीडेंट हो जाए यहीं पर गिर जाइए हाँ भाई तभी तो मैं इसको बोल रहा था कि साइड में हो जाए चलो कोई नहीं यार उसको तो हमने पीछे ही छोड़ दिया है गाइस क्योंकि यार काफ़ी देर हो चुकी है हमको आते हुए और यहाँ पर घर पे पहुँच ही चुके हैं और अभी ये जानवर भाई कलर चेंज हो गया इनका तो ये क्या हो गया ये तो कलरफुल जानवर निकले हाँ भाई ये तो कलर चेंज कर रहे हैं गाइस देखो गाइस इन्होंने अपना पूरा का पूरा कलर चेंज कर लिया भाई अरे है तो खतरनाक लेकिन क्या करें अब तो लेके आ चुके हैं इस गाड़ी को पीछे लगाओ खटारा गाड़ी है हमारी ये हाँ भाई गाड़ी तो खटारा है लेकिन तू खटारा मत बन इसके पास आकर अभी मैं इसको पीछे लगा देता हूँ ताकि मैं ऊपर जा सकू और उसके बाद गाइस दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा जू हमने बनाया है और आप भी बोलो यार ठीक है जू तो अभी और भी बड़ा बनाने वाले हैं गैस क्योंकि अभी ये छोटा जू है धीरे धीरे गायस जितने नए नए एनिमल्स आएंगे उनके साथ ही जू को भी बड़ा कर लेंगे ताकि उनको भी कोई परेशानी ना हो अभी आपको नीचे दिखाता हूं क्या है? ये है कितने सारे हैं अभी इनको काउंट करके देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी है यार मुझको तो लगता है ये टेन से ज्यादा ही हो गया यार टेन तो हो ही गए चलो देख लेते हैं काउंट करने के बाद आप भी बताना गाइज नीचे कमेंट्स के अंदर कि इनकी संख्या कितनी है क्योंकि यार हमको बिल्कुल भी काउंटिंग नहीं आती हमने यहाँ पर एक बार काउंट किया था लेकिन वो बहुत ही रॉन्ग थी चलो गायज अभी ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं, आपको कौन से जानवर हम रखने वाले हैं। भाग भी नहीं पाएंगे फिर हम देखते कि ये क्या खाते हैं क्या पीते हैं उसके बाद ही इनकी डाइट हम डिसाइड करेंगे चलो भाई अभी नीचे चलते हैं गाइस और हमने अभी तक नीचे वाले माउंटेन लॉइन को अभी काउंट नहीं किया चलो भाई उनको भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि यार उनको तो काउंट करना ही पड़ेगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कितने सारे बंदे हैं यहां पर बंदे तो नहीं यार जानवर ही बोलेंगे इनको क्योंकि बंदे तो इंसान को बोलते हैं ले भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन लग रहे हैं मेरे को तो आप बताओ नीचे कमेंट्स के अंदर कि सोलह शेर लग रहे हैं मेरे को तो यहाँ पर और आपको गायज बताना है क्या हम सही हैं या फिर रॉन्ग है आप काउंट करके नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो और साथ में वीडियो को भी लाइक कर सकते हो यार क्योंकि सबके सब बंदे तो लाइक नहीं करते गाइज जो मन के और अच्छे बंदे होते हैं वही वीडियो को लाइक कर पाते हैं चलो देखते हैं यार आप अच्छे हो या फिर उन बंदों में नहीं आते मुझको तो लगता आप अच्छे बंदे हो वही बंदे हो जो हर रोज इस वीडियो को लाइक करते हो यानी कि नई वीडियो जब भी आती है वीडियो को लाइक कर देते हो चलो भाई सिंचन अरे अरे तुम तो गिर गए कोई नहीं यार अभी तो और भी जानवर लेके आने वाले हैं आज ही छोड़ोगे क्या बड़ा करके इस जू को? हाँ भाई और कब करेंगे कहा गया अरे भाई कुछ नहीं यार जू ओपन करें ताकि हमारी इनकम हो जाए Yeah. बेटे बेटे करता रहे और मेरे को भी बता देना मेरी जरूरत पड़े तो अरे भाई तुम्हारी जरूरत क्या पड़ेगी गाइस ये यहाँ पर चौप भी यार पता नहीं क्या क्या बोलता रहा चलो यार एक स्विमिंग पूल का हम राउंड ले लेते हैं ओ भाई साहब क्या ही मजा है यार क्योंकि भाई धूप में घूम घूम कर घूम घूम कर स्किन बिल्कुल ही पीली पड़ गई थी मेरी अभी ये ब्राउन कलर की तो है वैसे चलो कहो यार स्किन का तो क्या ही कहें हम क्यों भाई सिंचन वैसे मैं गोरा चिट्टा तो हूँ है तुम गोरे चिट्टे हो तो फिर तो मेरा तो कहना ही क्या अरे भाई क्या हुआ तुम तो कलिए हो कलिए अरे भाई ऐसे मत बोल मेरे को और क्या बोलूँ आपको तू तो कुछ मत बोल यार तू तो मेरी बेजती करता रहता बस मेरे को फ्रेंकली नहीं बोलता रहो हाँ चलो ठीक है फिर चुपचाप चुप चला करो गोरा बोलते हैं खुद को है काला अरे भाई साहब चलो कोई नहीं गाय से तो मेरी बेजती कर देता अभी जल्दी से आजा गाड़ी के अंदर यार चलते हैं हम हैं अब कहाँ जा रही हो अरे भाई एक बार ऊपर जाकर देख लेता हूँ ए जल्दी से नीचे आ जाओ ऊपर क्या करोगे चलो भाई साहब चलते हैं गाय से क्योंकि यार यहाँ पर लेट हो जाएंगे अभी तो हमको और भी जानवर लेके आने हैं भाई सिंचन कहाँ गया तू है मैं अभी आ रहा हूँ रुक जाओ अरे भाई तू कहाँ गया अभी आ तो जा है आ रहा हूँ रुक तो जाओ अपने के लिए भैया मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ बस उसको करते ही आता हूँ आप यार ये भी देखो गाय ऐसा हमारा सिंचन पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है मुझको तो लगता है यार इसको मैं छोड़ के चला जाऊँ रुको रुको आ गया चलो भाई वरना मैं तेरे को छोड़ के चला जाता और फिर अकेला ही जाता है पर उसके बाद तो भाई तू यहाँ पर वेट ही करता रहता मेरा है अब तो वेट करने की ज़रूरत है ही नहीं मैं तो चल दिया यहाँ से भाई भाई अरे भाई मैं भी तेरे साथ में तो हूँ हाँ मैं तो वैसे बोल रहा था चोप को चोप अभी बोल रहा था ना मैं आऊँगा तुम्हारे साथ अच्छा भाई तुमको बोल रहा था हाँ मेरे को बोल रहा था चोप कि चलो मैं भी चलो तुम्हारे साथ मैं भी देख लूँगा नए नए जानवर अरे भाई फिर तुमने क्या बोला उसको मैंने बोल दिया तुम अभी बच्चे हो तुम नहीं जा सकते ओ भाई साहब सिंचन यार तुम तो वैसे हो तो खतरनाक यार चोप को बच्चा बोल दिया तुमने और क्या उसको दादा बोलूँ मैं है ही बच्चा वो अरे भाई तुम बच्चे नहीं हो नहीं नहीं मैं तो उससे काफ़ी बड़ा हूँ वो तो बस चार साल का है मैं तो अभी एट साल का हूँ अच्छा भाई साहब ये बात है हाँ तभी तो उससे डबल उम्र का हूँ मैं ओ भाई साहब ये तो सच है यार लेकिन भाई तुमको क्या बोलता चो फिर है मेरे को चाचा भी नहीं बोलता बस ऐसे बोलते हैं है, ए चिन भैया लेकिन उसको भैया थोड़ा बोलता हूँ मैं तो बोलता हूँ भाई चौक को बेटा मत बोला कर यार तुम तो एक ही एज की हो नहीं नहीं वो मेरे से चार साल छोटा है इसलिए मैं तो लूंगा ना अच्छा भाई साहब चलो बोल लेना अरे भाई ये कौन है यार चलो गाय पर हम आ चुके हैं यहाँ पर हमको लेना एक मैप जहाँ पर हमको मिलने वाले हैं बहुत सारे नए नए जानवर अभी भाई वो यहीं पर लोकेशन भेजी उसने कि यहीं पर मिलने वाले हैं वो बंदे उनसे हमको मैप छीनना है गाय लेना है यार छीनना तो क्या है उनसे चलो यार ले ही लेते हैं है, मे भी आऊँ क्या अरे भाई तू तो नीचे रहना ऊपर ख़तरा हो सकता है कुछ भी हो सकता है काश क्योंकि वो बंदे बहुत ही ख़तरनाक यार वो बोल रहे थे कि हम नहीं देंगे लेकिन हमारे फ्रेंड ने बोला है कि तुम जाओ एक बार मैं उनसे बात कर लेता हूँ लेकिन है कहाँ यार लोकेशन तो यहीं की थी छत की लेकिन भाई यहाँ पर तो आस पास दिख ही नहीं रहा ध्यान से भी भैया कहीं तुम्हारे ऊपर गोलियाँ वोलियाँ ना मार दे वो अरे भाई ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन भाई कोई भी भरोसा नहीं है किसी का कुछ भी कर सकते हैं अभी मुझको लगता है यार यहीं पर नीचे ही जाना पड़ेगा मेरे को नीचे कहाँ पर अरे भाई अभी फ्रंट पर देख रहा हूँ यार यहाँ पर कौन कौन है अरे भाई ये क्या कर रहे हैं यार यहाँ पर तो कुछ जादू वादू चल रहा है क्या मुझको नहीं मालूम क्या चल रहा है अभी मुझको तो लगता है तुम भटक गए हो अरे भाई भटका नहीं हूँ चलो गाइस अभी लोकेशन मिल चुकी है अभी प्रॉपर वाली लोकेशन अभी आई है भाई फ़ोन के ऊपर और अभी देख ली मैंने और अभी देखते हैं यहाँ पर कौन कौन मिलता है मेरे को अभी तो मेरे को भाई एक मैप लेना है गाइस उसके बाद में यहाँ से चला जाऊँगा ओ भाई साहब ये कर क्या रहे हैं यार यहाँ पर ये बंदे मुझको तो कुछ गड़बड़ लग रही है गायच ओ भाई देखते हैं यार ओ ओ भाई भाई इनके पास तो गन है यार ये मेरे मेरे को मार सकते हैं जल्दी से नीचे आ जाओ तुम साहब ऊपर अटैक अभी मेरे मेरे को से भागना चाहिए यार वरना ऊपर गोलियां चलनी शुरू हो चुकी है और एक भी गोली लग गई ना तो मैं मर ही जाऊँगा चलो गायस देखा आपने कि मेरे ऊपर कैसे कैसे गोलियां चल रही थी अभी मैं वहां से तो भाग चुका हूँ अभी जल्दी से नीचे की तरफ जाना होगा मेरे को इनसे तो हमको मैप बिल्कुल भी नहीं मिला भाई सिंचन नहीं मिला क्या नहीं भाई यहाँ पर कोई मैप नहीं था चलो अभी जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ क्या पता हो यहीं पर आ जाए और हमारे ऊपर फिर से अटैक करने लगे नहीं चलो भगाओ भगाओ गाड़ी को मैं तो पीछे बैठ गया चलो भाई बैठ तो गया गाय हम तो गए थे यार मैप लेने के लिए लेकिन भाई उन्होंने तो मेरे ऊपर गोलियाँ ही बरसा दी उनको लगा होगा कोई और है हाँ भाई ये भी हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं है यार अभी हम दूसरी जगह जाने वाले वहाँ से हमको मिल जाएगा मैप और वही मैप लेना है हमको ताकि हमको लोकेशन मिल जाए अच्छे अच्छे जानवरों की और वहाँ पर जाकर हम उनको ले कर आ जाएँ हाँ लेकिन कहाँ मिलेगा अरे भाई रुको यहीं की लोकेशन आई है दोबारा से फिर तो चलो वहीं पर हाँ भाई वहीं पर चलेंगे देखो गाय जब हम यहाँ पर आ चुके हैं

देखो हाँ भाई ये हो सकता गैस की छत के ऊपर चढ़े हो सकते हैं वहीं पर चल के देखते हैं यार क्या पता वहीं पर मिल जाए और वहाँ पर मिल गए तो ठीक रहेगा उनसे बात भी कर लूँगा मैं और उसके बाद देखते हैं क्या रहता है हाँ चलो चलो अभी जल्दी से हाँ भाई तू वहीं पर रहना हाँ मैं तो वहीं पर हूँ लेकिन तुम ध्यान से काम करना हाँ भाई मैं तो ध्यान से ही करूँगा चलो गैस भी हम पहुँच चुके हैं छत के ऊपर और यहाँ पर देखते हैं यार कहाँ पर है वो बंदे क्योंकि यदि यहाँ पर हमें नहीं दिखे फिर तो वो कहीं पर नहीं मिलने वाले और यदि यहाँ पर ओ भाई ये हमारी साइड फिर से आ गया हमारे को मारने के लिए और हाथ में देखो गन्स लेके घूम रहे हैं भाई ये अभी देखो यार मेरे साथ क्या होता है ध्यान से तुमको एक भी गोली नहीं लगनी चाहिए फिर तो तुम मर जाओगे हाँ भाई मर जाऊँगा चलो गायच अभी मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ अभी भाई मेरे पीछे पड़ चुके हैं अभी इनको नहीं छोड़ने वाला ओ भाई कहाँ कहाँ से गोलियाँ बरसा रहे हैं अभी इनको टपका दो ले भाई एक को तो टपका दिया मैंने इनसे मैप भी ले लूँगा गायच ले भाई सब तुम कहाँ पर भाग रहे हो भाई अभी देखो यार ये छत के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरे पास आ जाए लेकिन इनको ये नहीं पता यार मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इनको चाहे कि इतनी भी कोशिश कर लो अरे भाई साहब ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई वापिस जाए यहाँ से अभी देखो यार कहाँ कहाँ चढ़ रही हैं ओ भाई तू क्या कर रहे हैं यहाँ पर ले तुम्हारा भी काम तमाम कर दिया अभी तो मुझको लगा गाइस एक दो बंदा बचा ओ भाई वहाँ पर साइड में चढ़ गया चलो भाई इसका ही मैंने टपका ही दिया चलो गायश अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं यार नीचे क्या होता है क्योंकि यार नीचे जाने में बहुत ही दिक्कत है यहाँ पर भी बंदे हो सकते हैं और उन बंदों से बचने के लिए भाई मेरे को छिप छिप कर ही जाना होगा तुम मर तो नहीं गए अरे भाई साहब मर जाता तो बोलता कैसे भाई छिचैन मैं तो बच गया है यहाँ पर इतने ज़्यादा गुंडे यहाँ पर घूम रहे थे लेकिन एक बंदा अभी भी बाकी यार एक बंदा तो इधर उधर ही होगा चलो भाई यहाँ से मैंने इनका मैप भी उठा लिया अभी जेब में लेकर मैप को कौन घूमता है भाई ओ भाई साहब वहाँ पर खड़ा ले भाई तुम्हारा तो काम तमाम कर ही दिया मैंने ए, उसका टपका दिया क्या हाँ भाई उसको भी मैंने मार दिया चलो गाय जब हमको मैं मिल चुका है अभी हम जाने वाले हैं शिकार करने के लिए और अभी जल्दी से रेडी रहो भाई शिन्चैन क्योंकि हम बिल्कुल लेट हो चुके हैं अभी जल्दी से जल्दी हमको जाना होगा और देखते हैं कौन कौन से जानवर हमको मिलने वाले हैं क्योंकि यार उन जानवरों को तो हमको पकड़ना ही होगा और हमारे जू को बड़ा करना ही होगा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही मुझको तो लगा तुमको टपका देंगे सबके से मिलकर अरे भाई ऐसे कैसे मार देंगे मेरे को अभी चल ज़्यादा उदास मत हो चलो अपने के भैया इतनी लड़ाई मत किया करो तुम पता क्या पता तुम्हारा क्या हो जाए अरे भाई सिंचन मेरे को कुछ नहीं होगा बस तुम चिंता मत किया करो अभी जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाए लेट हो गए हम पहले से ही और देखो गाइस अभी वहाँ से हम निकल चुके हैं और अभी जाने वाले हैं पहाड़ों में और पहाड़ों के बाद भाई साहब वहाँ पर देखते हैं क्या क्या होने वाला है क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा वहाँ पर हमको कौन कौन से जानवर मिलने वाले हैं हाँ वो तो मिल ही जाएंगे ना फिर तो मज़ा ही आ जाएगा हाँ भाई सिंचन यार मिल जाए ना जानवर उसके बाद तो हमारा जू भी बड़ा हो जाएगा और हमको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और वहाँ से हम पैसे भी कमा सकते हैं पैसे कैसे कमाओगे अरे भाई साहब हमारा जू हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर लोग आएंगे और वो हमको पैसे देकर जू को देखेंगे उसके बाद वहाँ से हमारी इनकम भी हो सकती है अच्छी खासी इसीलिए मैंने आइडिया आया था कि हम घर पे एक जू खोल लेते हैं ताकि वहाँ पर लोग आएँ और हमको पैसे दें और जानवरों को देख कर वहाँ से चले जाएँ और उसके बाद तो भाई हमारे पास पैसे हो जाएंगे हाँ फिर तो सही है फिर तो हम बड़ा जू कर लेंगे ना हाँ भाई बहुत ही बड़ा जो कर लेंगे देखो गाय जो भी हम आ चुके हैं काफ़ी दूर और इन पहाड़ों पर भाई देखते हैं कौन सा जानवर मिल सकता हमको अभी यार अलग सा जानवर हो कुछ लेकिन मुझको लगता है यार यहाँ पर कोई जानवर ही नहीं मिले क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं यार बस पहाड़ ही पहाड़ है अभी तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया मेरे को अभी आगे चलो यहाँ पर तो सूखे पहाड़ थे अभी हरे भरे पहाड़ों पर चलो वहाँ पर मिलेंगे आपको जानवर हाँ भाई ये बात तो हो सकती है वहीं पर चलते हैं इस क्या होता हमको वहाँ पर मिल जाए क्योंकि यार हमने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली यहाँ पर ढूंढते-ढूंढते हम थक चुके हैं यहाँ पर तो एक भी जानवर नहीं मिला अभी यहीं से ले लूँ क्या टर्न नहीं यहाँ से टर्न मत लेना आप बस सीधा चलो लेफ्ट ले लेना चलो गाइस यहाँ से हमने लेफ़्ट भी ले लिया है और अभी हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं लेकिन हमारी गाड़ी भाई साहब ये तो बोल रही कि मैं तो नहीं चढ़ूंगी अभी यहीं से घुमानी पड़ेगी इसको हाँ घुमा दो इसको तो यहीं से क्योंकि क्या करोगे ऊपर जाके चलो गाइस ये गाड़ी तो आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी इसलिए हमने सोचा कि यार यहाँ से तो वापस आते हैं और अभी आगे से ही देखते हैं कहीं हमको जगह मिल गई ना पहाड़ के ऊपर चढ़ने की तो वहीं से चढ़ा देंगे इस गाड़ी को वैसे यार एक गाड़ी बिल्कुल ही खटारा है पहाड़ के ऊपर भी नहीं चढ़ पा रही हाँ वैसे लग तो रही है मेरे को चलो कोई नहीं खटारा है तो काम तो दे रही है हमको हाँ भाई काम तो दे रखा इसने अरे अभी ढूंढू ना कोई जानवर अरे भाई मिलेगा मिलेगा ज़्यादा चिंता मत करो बस तुम अभी आगे चलते हैं यार यहाँ पर तो कोई दिख नहीं रहा अभी पहाड़ों के ऊपर चलेंगे उसके बाद देखते हैं वहाँ पर कुछ मिलेगा या फिर नहीं वहाँ पर भी नहीं मिला तो अरे भाई फिर हमको खाली आती घर पर लौटना होगा यार ऐसे कैसे जाएंगे घर पर एक जानवर तो लेके ही जाएंगे चलो भाई अभी चल दिए हम पहाड़ के ऊपर भाई साहब तो पूरी स्पीड के साथ गाड़ी को चढ़ा रहे हैं यार ताकि ये चढ़ जाए और उसके बाद भाई ये ऊपर खड़ी हो जाए क्योंकि यार बहुत ही मुश्किल से चढ़ी है गाड़ी। तो ये गाड़ी मुझको तो लग नहीं रहा था गाय जी चढ़ पाएगी क्योंकि यार इतनी खटारा गाड़ी लेके आए हम अरे भाई सामने क्या जा रहा है ये ये तो छोटा जानवर है बिल्कुल ही लोकल जानवर चलो भाई जी लोकल जानवर को बाद में देखेंगे अभी हम और कुछ देख लेते हैं आस अरे भाई वो क्या जा रहा है कहाँ अरे भाई अभी दिखाता हूँ तेरे को भी सामने देख बिल्कुल गाड़ी के अरे मुझको तो शेर लग रहा है वो चलो भाई उसको ही गिरा लेते हैं आज गाड़ी के अंदर हाँ जल्दी से चलो फिर तो चलो गाय जब इस शेर के पीछे ही लग जाते हैं हम ताकि हम इसको ढूंढ ले ओ भाई साहब देखो सामने ही जा रहा है, है चलो चलो इसको भी गिरा देना यहीं पर हाँ भाई गिरा तो सकते हैं लेकिन भाई अभी बिल्कुल अरे भाई इसको पता चल गया क्या ये तो भाग रहा है यार जल्दी से इसके पीछे भाग इसको पकड़ के लेके आओ अरे भाई ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई गायज हम सोच रहे थे यार इस शेर को तो हम पकड़ लेंगे और फिर गाड़ी के अंदर डाल कर घर पर लेके चलेंगे लेकिन यार ये तो पहले ही भाग गया मुझको तो कुछ भी आइडिया नहीं है अब इसके साथ क्या करूँ मैं ढूँढो उसको कहाँ गया वो अरे भाई गया तो सामने है चलो गायज अभी सामने जाकर देखते हैं यार कहाँ है वो अरे भाई यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा अरे भाई साहब कहा है तो लेकिन गाय वो यहाँ पर दिखाई नहीं ओ भाई वो इतनी दूर निकल गया देखो गायज वहां से भी चला गया अब तो क्या ही करूं यार मैं उसका जल्दी से उसका पीछा करो उसको ढूंढ के दिखाओ हमको हाँ भाई पीछा तो कर ही रहा हूं कितनी देर हो चुकी है गायज उसका पीछा करते हुए और अब तो मेरे को लग रहा है यार वो पक्का मिल ही जाएगा नहीं मिलेगा अब तो क्योंकि काफी दूर निकल गया होगा वो ओ भाई ऐसे कैसे निकल गया होगा अब हाथ नहीं आने वाला वो तुम्हारे अरे भाई कोशिश तो करूँ लेकिन गाय वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा यार कहा भाग गया होगा वो एह, मैंने बोला था प्रिंकली भैया वो यहाँ पर अब नहीं मिलेगा तुमको क्योंकि वो तो गया भाग गया यहाँ से ओ भाई साहब यार हमने मिस कर दिया गाइज और चलो कोई नहीं यार यहाँ पर देख लेते हैं भी और कोई मिलेगा भी धीरे धीरे चलना होगा मेरे को क्योंकि यार इस पहाड़ के ऊपर बहुत सारा जानवर तो मिल सकते हैं हमको लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखना होगा उनको हाँ देखो देखो तुम और यदि तुमको मिल जाए ना सीधा अटैक कर दो उसके ऊपर भेस कर देना उसको हाँ भाई मिले तो सही है एक बार एक बार मिलते ही तो मैं सीधा अटैक ही कर दूंगा उसके बाद तो पता भी नहीं चलेगा उसको कि गया तो गया कहाँ वो हाँ अभी मिला क्या कोई नहीं भाई अब भी नहीं मिला यार मुझको तो डर लग रहा है कहीं यहाँ पर कोई और जानवर मेरे ऊपर ही अटैक ना कर दे क्या बताओ उस जानवर को मैं ही मिल जाऊ और सीधा अटैक करने के बाद मेरे को खा ही जाए मुझको भी ऐसा ही लग रहा है भैया क्या पता तुम्हारे ऊपर अटैक ही कर दे वो हाँ भाई तभी तो मैं बोल रहा हूं लेकिन कोई नहीं गाय जब देख लेते हम आस पास कोई जानवर तो पक्का मिलना चाहिए हमको क्यों यार इतना बड़ा पहाड़ है यहाँ पर कोई ना कोई जानवर तो घूम ही रहा होगा हाँ देखो देखो जल्दी से ओ भाई साहब यहाँ पर चिपन जी घूम रहे यार ये बंदर हाँ भाई इनको अभी देखते हैं कैसे टपका सकता हूँ मैं इनको भी बेहोश करके ले लेके चलेंगे अपने घर हाँ फिर तो मजा ही आ जाएगा जल्दी से करो इनको बेहस चलो गज ये रहा जानवर ले भाई ये तो गया काम से इसको बेहस कर दिया हाँ भाई इसको तो बेहोश कर दिया अभी दूसरे वाला है उसको भी बेहोश कर ही देता हूँ भाई साहब ये भी यहाँ पर खड़ा है और गज इसको भी मैंने बेहोश कर दिया चलो भाई दो चिमपैंजियो को तो मैंने बेहोश कर दिया है फिर तो मजा ही आ गया अब तो और को भी कर दो अरे भाई है ही ये दो तो चलो अभी जल्दी से बैठ जाओ गाड़ी के अंदर अरे पहले तो मेरी साइड तो आ जाओ फिर ही बैठूंगा ना वैसे अकेला क्या करूंगा गाड़ी में बैठ कर हाँ भाई तुम्हारी साइड आ रहा हूँ भाई सिंचन दो जानवर तो हमको मिल गया अब मज़ा आ गया ना हाँ मज़ा तो आ ही गया लेकिन मस्त वाले जानवर नहीं लगे मेरे को ये और भाई कैसे चाहिए तेरे को इनसे ही मस्त जो कि मैंने कभी देखे ही ना हो अच्छा भाई साहब ऐसे तो अरे भाई अभी सामने भी एक शेर जा रहा है यार तुम बच गए वरना तुमको मार देता वो तुम आ गए ना इसीलिए भाग गए मेरे ख्याल से तो हाँ भाई चलो उसको बेहोश कर देता हूँ यार मैं अरे भाई वो तो बेहोश हो गया लेकिन भाई साहब दो तीन जा रहे थे वहाँ पर शेर तुम्हारे ऊपर अटैक करने की सोच रहे थे लेकिन भाई मैं आ गया तभी और उनको मैंने गोली मार कर भगा दिया यहाँ से चलो ये तो अच्छी बात की आपने वरना मेरे ऊपर अटैक कर देते वो मेरे यहीं पर खड़ा हुआ था हाँ भाई तेरे को शिकार कर लेते चलो कोई नहीं गाय जब भी हमारा सिंचनी बैठ चुका गाड़ी के अंदर अब इन दोनों भाई साहब बंदों को अभी डाल लेते हैं बंदे नहीं जानवर बोलो हाँ भाई जानवरों को डाल लेते हैं इस गाड़ी के अंदर अरे भाई ये कहाँ फिसलेगी कहीं नहीं फिसलेगी चलो डाल लिया इसका तो चलो गायज यहाँ पर इसको तो लोड कर ही लिया है अभी दूसरे वाले बंदर को और डाल लेते हैं इस गाड़ी के अंदर उसके बाद भाई हम सीधा घर पे जाने वाले हैं गायज क्योंकि यार घर पे बहुत ही लेट हो चुके हैं हम अभी जाना होगा और हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनको खाने पीने की चीज़ें भी तो देनी है यार क्योंकि वो भी अभी भूखे होंगे और हम भी हो चुके हैं हम भी घर पर जाते हैं गायज कुछ खाने का इंतजाम करते हैं क्योंकि यार ऐसे ही चलता रहा तो हम कुछ खा भी नहीं पाएंगे और भूखे ही मर जाएंगे चलो भाई सिंचे तो गाड़ी को पूरा गा लेता हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाए हाँ, जल्दी से जल्दी तो पहुँच ही जाएंगे चिंता क्यों कर रहे हो तुम बस तुम चलते जाओ हाँ भाई मैं चल तो रहा हूँ देखो ख़ाय पूरी स्पीड के साथ गाड़ी को घुमा रहे हैं लेकिन भाई ये क्या हो रहा गाड़ी को क्या हो गया अरे भाई स्पीड ही नहीं पकड़ रही बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है मुझको लगता है ठोकेगी मेरे से कहीं पर ठक दे इसको कहीं ना कहीं क्या बिगड़ेगा इस खटारा गाड़ी का हाँ भाई ये भी सोच ही रहा था मैं लेकिन गाइस अभी हम नहीं ठोक पाएंगे इस गाड़ी का क्योंकि यार अभी हमारे पास एनिमल्स हैं वरना भाई ये यहाँ पर उठ जाएंगे और हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने चलो कोई नहीं अभी बस तुम ध्यान दो जल्दी से घर पर पहुँचाने के लिए हाँ भाई घर पर पहुँचाने के लिए तो मैं ध्यान दे चुका हूँ भाई तुम्हारे ऊपर भी है और सभी के ऊपर हैं और किसके ऊपर देना ध्यान किसी के ऊपर नहीं देना बस सीधे चलते जाओ हाँ भाई सीधा तो चलता जा रहा हूँ और देखो यहाँ पर हमारे सिंचन का एटीट्यूड भाई बहुत ही खतरनाक बंदा बन चुका गाय जी ना तो मेरी सुनता और ना किसी और की बस बोल रहा कि तुम चलते जाओ मैं अभी अपने आप देख लूंगा भाई तू क्या देख लेगा सिंचन ये तो बता दे इन जानवरों को जो कि पीछे है अच्छा भाई साहब इनको बोल रहा क्या चलो कोई नहीं गाय जब बस हम निकल चुके हैं यहाँ से तो अभी बस हमको जल्दी से जल्दी हमारे घर पर पहुँचना हो क्योंकि मौसम भी खराब हो चुका है और वो जानवर भी बाहर ही होंगे क्या पता यार वो भी हमारे ऊपर अटैक कर दे बोलेंगे कि तुमने तो कुछ खाने को दिया ही नहीं अभी जल्दी से जल्दी घर की तरफ निकल चुके हैं और गैज मुझको लगता है यार हम पहुँच ही जाएँगे जल्दी से ताकि हम पहुँचने के बाद यार उनका भी हम ख्याल रख पाएँ क्योंकि यार उनको भी काफ़ी देर हो चुकी है कुछ भी नहीं खाया है और ना ही हमने खाया है हाँ अभी ध्यान से चलना कहीं ठोक मत देना अरे भाई साहब मैं हैवी ड्राइवर हूँ यार तेरे को पता नहीं सिंचन पता है कितने हैवी ड्राइवर हो तुम कहीं पर भी ठोक देते हो गाड़ी को ओ भाई ऐसे मत बोल ऐसे ही बोलूँगा बोल। क्या करोगे तुम मेरा बताओ अरे भाई साहब अकड़ दिखा रहा है यार चैन यार तो इतनी अकड़ मत दिखाया अगर मेरे सामने वरना तुमको दो चांटे लगा दूंगा लगा के दिखाओ तुम अभी देखो डॉगी को मत कुचल देना चलो खाय यहाँ पर डॉगी को तो मैंने बचा ही लिया यार वरना भाई वो रास्ते के अंदर खड़ा हुआ था उसके ऊपर से गाड़ी निकल जाती और वो मर जाता हाँ ये तो मेरे को ही पता है कि गाड़ी निकलने के बाद इंसान या फिर कोई भी जानवर मर जाता है हाँ भाई यही बात मैं बोल रहा हूँ तुमको चलो गाइस अभी हमारा जू आ चुका है यहाँ पर यानी कि हमारा घर और इन जानवरों का जू भाई घर के ऊपर जू बनाने का हर तरीका तो वैसे ठीक ही है हाँ बहुत ही अच्छा है अभी जल्दी से देखो उन जानवरों को क्या पता है कोई मर गया हो अरे भाई ऐसे मत बोल यार ऐसे कैसे मर जाएंगे क्योंकि इनको हम खाना देने वाले हैं अभी और एक खाना खाने के बाद तो और भी हेल्थी हो हो जाएंगे चलो गायच आपको एक बार और दिखा देते हैं कि कौन सा जानवर कहाँ कहाँ हमने छोड़ रखा है अभी भाई दो बंदर और आए हैं इनके लिए हमको अलग से पोर्सन बनाना पड़ेगा अभी आपको सबसे पहले गैच ऊपर की तरफ ले जाकर दिखाता हूँ मैं कि ऊपर हमने कौन कौन से जानवर छोड़े हुए हैं अरे भाई साहब ये तो कलर चेंज कर गए भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गए भाई शिंचन कितने हो गए अरे भाई हम तो दो ही ले आए थे लेकिन इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं यार इतनी जल्दी मुझको नहीं मालूम क्या पता बताइए पूरा ही जू इनका भर जाए हाँ भाई इतनी जल्दी ये बड़े गिना गाय तो बहुत ही ज़्यादा संख्या के अंदर हो सकते हैं चलो कोई नहीं यार छोड़ो इनको बाद में देख लेंगे अभी तो बस मैं देखने के लिए आया था कि ये सब ठीक है या फिर नहीं अब तो मेरे को लग रहा गायज ये बहुत ही हेल्थी जानवर है और इनको कुछ नहीं होने वाला चलो भाई अभी नीचे चलते हैं हाँ नीचे आ जाओ जल्दी से हाँ गाय जब हम नीचे आ चुके हैं तो गाय आपने देखा हमने कैसा ये जू बनाया है और आप भी बताना जल्दी से नीचे कमेंट्स के अंदर कि हमको और क्या क्या चेंज करने चाहिए इस जू के अंदर और हमको कौन कौन जानवर और लेके आने चाहिए हाँ गाइज और साथ में वीडियो को भी लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोज